प्रेसीहोल NX 100 या NX 200 का नाइट्रो पिस्टन का जो लिप सील या वॉशर है उसे चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें खोलना होगा 3 नट। 2 नट है रियर साइड के बगल में और एक सिंगल नट है ट्रिगर के पास। इन 3 नट को खोलने के लिए हमें चाहिए एक एलन की। इन 3 नट्स को खोलने के बाद हमें गन और स्टॉक को अलग करना होगा। अलग करने के बाद हमको इसका बैरल को बेंड करना पड़ेगा। अगर बैरल को हम बेंड नहीं करेंगे तो इसका बीच में जो बड़ा सा नट है वो हम नहीं खोल पाएंगे। बैरल और चेंबर को अलग करने के लिए हमें सबसे पहले छोटा सा एलन की स्क्रू है उसे हमें लूज करना पड़ेगा। उसके बाद जो बड़ा सा नट है उसे हम एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लेंगे और फिर हम बैरल को चेंबर से अलग कर देंगे। अब हमें ट्रिगर के बगल में ऊपर जो चेंबर पे एक लॉक दिखाई देगा अब हमको उसे खोलना होगा। उसको खोलने के लिए हमें छोटा सा एक जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ इस तरह। हमने एक कार्ड जैक लिया है और फिर अपना सुविधा के अनुसार उसे इस कुछ इस तरह सेट किया है। अब हमें एक कील और मार्तुल की सहायता से उस लॉक को बाहर निकालना होगा। आपको दिखाई देगा कि इसमें चेंबर के अंदर से एक मेटल का पीस निकला हुआ है, उसे हमें हाथ से खींचकर निकालना होगा। अगर हाथ से नहीं खींच पा रहे हैं तो हमें एक स्क्रू ड्राइवर लेके वहाँ पे एक होल है वहाँ पे स्क्रू ड्राइवर को घुसा के हल्का फुल्का घुमा के इसे निकालना होगा। और एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हमें नाइट्रो पिस्टन को तब तक पुश करना पड़ेगा जब तक कि वो रुक ना जाए। आगे कुछ और करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि ट्रिगर लॉक है कि अनलॉक। अगर लॉक है तो हमें उसे अनलॉक करना होगा। नाइट्रो पिस्टन को जब हम पुश करते हैं तो वो इसलिए रुक जाता है क्योंकि ट्रिगर के साथ अटैच एक मेटल का पीस उसका रास्ता को रोक के रखा हुआ होता है। अब हमें उस मेटल पीस को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ऊपर उठाना होगा, फिर उसे पकड़ना होगा या किसी भी तरह से उसको ऊपर ही रोकना होगा, तब जाके हम आराम से नाइट्रो पिस्टन को बाहर निकाल सकते हैं। अब हमें एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से लिप सील या वॉशर को पिस्टन से अलग करना होगा। अगर आप नए हैं तो इसे हाथ पे पकड़ के मत कीजिएगा, नहीं तो अगर स्क्रू ड्राइवर स्लिप हो जाता है तो आपको चोट लगने का उसमें चांस बना रहता है, इसलिए आप टेबल पर रख के कर सकते हैं। अब नया वॉशर को लगाने से पहले हमें उसे बिल्कुल हल्का सा ऑयलिंग करना होगा। उसके बाद नए वॉशर को बायां हाथ की अंगूठा से पिस्टन पे दबाते हुए स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उसे बैठाने की कोशिश करेंगे। जब नाइट्रो पिस्टन पे आपका वॉशर बैठना शुरू हो जाता है तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अपना बायां हाथ का जो अंगूठा है और जो उंगलियां है उससे वॉशर को दबाते हुए स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उसे पूरी तरह से हम बैठा लेंगे। लिप सील या वॉशर के बैठ जाने के बाद हम अभी पूरे जो नाइट्रो पिस्टन है उस पर हल्का सा ग्रीसिंग कर देंगे। ट्रिगर से जुड़ा हुआ जो मेटल का पीस था उसे ऊपर की ओर उठाते हुए वहीं पे ऊपर रोकना होगा। फिर हमें बिना ज़बरदस्ती करते हुए नाइट्रो पिस्टन को आराम से चेंबर में घुसाना होगा। चेंबर में आगे एक बड़ा सा होल है। अक्सर ये होता है कि जब हम नाइट्रो पिस्टन को ज़ोर से पुश कर देते हैं तो जो वॉशर जो है हल्का सा उस होल से बाहर निकल जाता है और कट जाता है, इसलिए हमें सावधानी से इसे पुश करना होगा। अब हमें उस मेटल पीस जिसे हमने सबसे पहले चेंबर से निकाला था उसे फिर चेंबर में लगाना होगा। उसे लगाने से पहले हमें उसमें जितना भी होल्स है स्क्रूज के लिए उन सबको हमें अलाइन करना होगा। एक बार होल अलाइन हो जाने के बाद हम फिर से कार्ड जैक की सहायता से इस मेटल पीस को हम चेंबर में फिट कर लेंगे।
इसे लगाते वक्त हमें एलन की या फिर किसी चीज़ से ये चेक करते रहना होगा कि जो होल से चैम्बर का होल और जो मेटल पीस का होल है वो बराबर अलाइन हुआ है कि नहीं। अगर अलाइन नहीं होगा तो हम लॉक को वापस नहीं लगा पाएगा, इसलिए इसका अलाइन होना ज़रूरी है। अब हमें चैम्बर और बैरल को फिर से जोड़ना होगा। ऐसा करने से पहले हमें बैरल का जो जॉइंट एरिया है वहाँ पे हल्का सा ग्रीसिंग कर देना होगा। ग्रीसिंग करने का बहुत सारा फ़ायदा है, लेकिन एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि उस पे जो मेटल वॉशर लगा रहता है वो चिपके रहता है और इससे लगाने में आसानी हो जाता है। बैरल और चैम्बर को जॉइन करते वक्त हमें जो जॉइन का जो होल है उस पे स्क्रू ड्राइवर या किसी वैसी चीज़ से उस होल का अलाइनमेंट चेक करना होगा। अलाइनमेंट अगर सही नहीं रहेगा तो आपका स्क्रू आप नहीं लगा पाएगा। उसके बाद जो गन है उसे हम स्टॉक में फिर वही टिन नट जो हमने खोला था एलन की के सहायता से उसे वापस लगा देना है और अब अपना एयर राइफल हो गया है रेडी।